देखो हमारी डिमांड रहेगी, कल 6 अक्टूबर है, टिकैत साहब का जन्मदिन भी है, तो उनके उससे गन्ने का बड़ा इशू है, जंगली जो जानवर हैं उसका बड़ा इशू है, छुट्टा पशु का इशू रहेगा, बिजली जो स्मार्ट मीटर या दूसरे मीटर लग रहे वो एक इशू रहेगा, गन्ना भुगतान का है, तो ये बहुत से मामले हैं। तो इसमें कल जो फसलें नष्ट हुई उसके बारे में अधिकारी से भी बातचीत करेंगे, और जो मीटिंग है वो हम इको गार्डन में अपनी मीटिंग वहां पर कर रहे हैं। यहां पर उस तरह के व्यवस्था नहीं है, ना शौचालयों की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था रहेगी, तो वहां पे ही कल मीटिंग रखेंगे। यहां पे जिस तरह का देखा कि क्राउड है, यहां पे भीड़ भाड़ रहेगी, और निमट गया वहां तो क्या सरकार है, अब नई सरकार आ जाएगी 8 तारीख में, नई सरकार आ जाएगी 9, 10, 11 तारीख में गठन हो जाएगा, मौजूदा सरकार तो नहीं आ रही। तो क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन एक बड़ा असर डालेगा हरियाणा के चुनाव? बिल्कुल डाल लगा, क्योंकि सबसे ज्यादा संघर्ष हरियाणा की धरती पे ही हुए हैं, वो चाहे पंजाब से लोग आ रहे हो या दूसरी जगह से लोग आए हो, और शहीद भी सबसे ज्यादा लोग हरियाणा और पंजाब के हुए उस आंदोलन में, और कील कांटे भी हरियाणा की जमीन पे ही ज्यादा गाड़े गए। सर, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक ट्वीट आया है और जानकारी दी गई है कि जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है उसमें कृषि उन्नति योजना को मंजूरी प्रदान की गई है, इससे कितना किसानों को लाभ मिलेगा? अब पता नहीं कागजबद्धी होगी, गन्ने का भुगतान तो है ना, जो फसल के रेट तो ठीक मिल नहीं रहे। भाई मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि बिजली फ्री देंगे, इलेक्शन से पहले सरकार घोषणा करती है कि हमारी सरकार आएगी तो 5 साल बिजली फ्री रहेगी, मीटर में को फ्री बिजली कैसे आएगी, वह टेक्नोलॉजी हमको तो मिली नहीं। देखो किसान को मिलेगा भाव, अब गन्ने का भुगतान नहीं है पिछले साल का, और लखनऊ के कागजों में योजना स्मार्ट योजनाएं बन रही है, तो ये लखनऊ के कागजों में बन रही, भाई धरातल पर तो नहीं जा रही। पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि उन्नति योजना को जो मंजूरी, अरे मंजूरी क्या मिली, कागजों में उन्नति कृषि किसान उन्नति लिखने से उन्नति हो जाएगी? उसका होगा फसलों के दाम मिलने से, दाम मिल नहीं रहे, और प्रधानमंत्री उन्नति योजना उन्नत लिखने से काम नहीं चलेगा, उन्नति करने से काम मिलेगा।